की गल हो गई, कोई डरावना सोना वेख्या? चल आ जा, चाह बनी पई है, चाह पी ला। तेरे कपड़े भी गंदे गंदे जे, चल आ जा, मैं तेरे अलमारी चो कपड़े कढ़ के दिना। नहीं ताया, कपड़े मेरे को है, तुसी चलो मैं चेंज करके आऊंगा। रात नूं जिन्नी डरावनी लगती है, दिने किन्नी सोहनी है। ताया केड़ी जगह? ये वो जगह जिहदे नाल साडे कईआं दे सुपने जुड़े होए आ, ते इहदा नाम ड्रीम लैंड। ताया वो जवाक कौन सी? काका तूं केड़े जवाकां दी गल करदा? मैनूं तां इन्ना चिर हो गया इत्थे रहिंदे नूं, मैं कोई जवाक नहीं वेखे गए। इह तेरे दिल दा वहिम आ, इत्थे मेरे बिना होर कोई नहीं रहिंदा। नहीं ताया, जे मेरे दिल दा वहम सी ते तुसीं मैनूं तवीत क्यों फड़ाया? कोई ना कोई तां कनैक्शन है जवाकां नाल तुहाडा, कुछ तां है जो जवाकां नाल इस जगह ते होया सी। जल्दी जल्दी खा ला, मेरा शरीर तो बड़ा होना है, ठीक है? लियानी आ कितने नहीं, रोटी बिना जान निकलती थोड़ी। ले दस लो। तैनु शर्म नहीं आती? निक्के निक्के जवाकां तों घर दे काम कराई जांदी आ। ਐਡੀ ਕਿੱਡੀ ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖਿਡੌਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪੋਚੇ ਫੜਾ ਛੱਡੇ ਆ। ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਜਰ ਕਲੇਸ਼? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੰਜਰ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਸ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਦੋ ਬਲੂੰਗੜੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਖ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ? ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆ? ਚੱਲੀ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਵਾਬ। मेरे नौ पुत जाने तो बाद ये बच्चों की जिम्मेवारी मेरे ते पै गई,
ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ नजर है बॉस की, मानना पड़ेगा बड़ी मस्त जगह पे दिल आया है उनका। अरे ताऊ, अरे ताऊ यहाँ कोई रहता भी है या यूं ही पड़ा है? ये आलीशान महल। हाँ जी, मैं ते मेरा परिवार इत्थे रहिंदा। तुसी कौन? सर। नहीं। हम हैं विनोद कुमार। क्या जगह है ताऊ? सच बताऊं तो हमारे बॉस का तो दिल आ गया इस जगह पर। की मतलब दिल आ गया? मैं को समझे तो मतलब सीधा सीधा है ताऊ, जो हमारे मालिक है ना वो इन दिलचस्प चीजों के शौकीन है और जो चीज उन्हें पसंद आ जाती है उन्हें लेकर ही मांग। तो आप बताइए कितना पैसा लेंगे आप आलीशान महल? हर चीज बकाऊ नहीं होंगी, ये मेरा घर है, ये नाल साढ़े सारे के सुपने जुड़े हुए हैं। जे तुम सोचते हैं भी पैसे के लालच के मैं आपका घर बेच दूंगा तो तुम गलत जगह पर आ गए, तुम जा सकते हो। अरे ताऊ, बड़े बेवकूफ होते हैं वो लोग जो अपनी वही घिसी पीटी जिंदगी से लगाव रखने वाले एक दिन अपनी ही जिम्मेदारी के बोझ के तले कुचले जाते हैं। तो ठीक है ताऊ, हम तो आपको इस नरक भरी जिंदगी से निकालने आए थे, अब आप इसमें खुश हो तो आपकी मर्जी है। हेलो सर, उन्होंने तो साफ साफ इनकार कर दिया है। जी सर, सर मैंने उनको पैसे की भी ऑफर दी थी लेकिन वो मानने के लिए तैयारी नहीं है। अब इसका तो एक ही रास्ता है, ड्राइवर गाड़ी निकालो। दीए, एक ही कर दी। दादी जी, मैं ना गुड्डे का ऑपरेशन कर दी सी, मैं वड्डी होके डॉक्टर बनना। दादू जी, ए बनूगी वड्डी डॉक्टर, जिद्दन तेरा पुत्त वड्डा हो गना छिके जाके बाउंड्री तो बाहर जाया करनगे। बॉस, क्या हो बाबा, घर में आई हुई लक्ष्मी को ठुकरा रहे हो? मैं इन्हें कल भी कहा सीगा भी ऐसी आपका घर नहीं बेचना। बात तुम्हारे घर बेचने की नहीं है, बात है मेरे बेटे की जिसे ये तुम्हारा आलीशान बंगला पसंद आ गया। तुसी अपने बच्चे नु होर कोई बंगला लेके दे सकते हैं पर ऐसी नहीं बेचना। इतनी तुम्हारी उम्र नहीं है बाबा जितने मैं तुम्हें नोट दे दूंगा, बंगला तो ये मेरे बेटे को मिलकर रहेगा कि मैंने उससे वादा किया है कि उसके जन्मदिन पर तुम्हें ये आलीशान बंगला मैं दे दूँगा और आगे तुम्हारी मर्जी है कि बंगला तुम्हें कैसे देना है। मैंने तेरे पैसों की लोड़ नहीं क्योंकि इस घर नाल मेरे बच्चों के सपने सजाए हुए हैं।
उन्हां बच्चों दियां अज भी चीकां ते आवाज़ां मैनूं सौण नहीं दिंदियां रात। कोई गल नहीं ताया, जे तू अपनी फैमिली गवाई है ना तो मैं भी भरावां वर्गे यार गवाए। की मतलब है जिहड़े भरावां वर्गे यार गवाए है? कल्ला नहीं आया सी तू इत्थे? नहीं ताया, मैं ते मेरे चार दोस्त आए सी। ते किथे ने ओह? उन्हां विच्चों तिन तों ते इक दा मैनूं पता नहीं। हे मेरे मालका, तुसी करन की आए सी इत्थे? असीं इत्थे नहीं आए सी, असीं अपनी अपनी जिंदगी नूं अजमाउण लई निकले सी। ते काश इह दिन साडी जिंदगी दा असीम पल हुंदा, ते सानूं की पता सी साडी मौत सानूं चुक के इत्थे ले आउंदी। ताया आ ने ओ चा। की गल होगी ताया? सच्ची है चारे सीगे? हाँ ताया। इन्हां चारा चो दोनों तो मैं वेख्या किते। की गल करदे हो ताया, अज तां इह जगह ते पहली वार आए हां। जगह दी गल छड्डो, अज तां शहर च पहली वार आए हां। इहदे पिता दा नाम विनोद, इहदे पिता दा नाम राज। हाँ ताया, इहदे पिता दा नाम विनोद कुमार ते उहदे पिता दा नाम राज वर्मा। ताया सानूं कैसे पता? ये उही बंदे आ जिहड़े इस जगह नूं खरीदण वास्ते आए सी। छोटे छोटे मेरे मासूम बच्चे इन्हां ने ही मारे सी। ताया मैं तेरा दुख समझदा, मन तो सुन के इन्ना दुख लग रहा तेरे ते, तो बीती है। पर ताया मेरे यारां दा की कसूर सी? उन्हां नूं क्यों सजा मिली? ते मेरे बच्चों का भी की कसूर सी? सजा उन्हां नूं मिली? निक्के निक्के सपने सी मेरे उन्हां बच्चों के, वह भी अधूरे रह गए। सिर्फ एक जमीन पिछे? ते ताया इहदा फिर कोई हल नहीं? बाबा जी मैं आपके बच्चों वास्ते आया, अज भी इस हवेली के मैं तुरे सिर से दीदे आ, उन्हों की मुक्ति वास्ते आए। जय भोले शंकर। ऐसे नहीं होगी मुक्ति, आज भी कोई चीजें उनसे जुड़ी हुई हैं, वो तुम्हारे घर में मौजूद हैं। उन सभी चीजों को ढूंढ के पानी या आग में विसर्जित करनी होगी, नहीं तो विनाश हो जाएगा। बाबा जी एहो जिहियां केड़ियां चीज़ां जिहड़ियां उन्हां दे नाल जुड़ियां हुई? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं, उनके शरीर का कोई हिस्सा जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके साथ उनका लगाव था और उनके सपने जुड़े हुए हैं, वो सब आपके घर में मौजूद है बेटा। इस पूर्णिमा की रात को ये सब ना ढूंढा गया तो सबके सब मारे जाओगे, अनर्थ हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। मैं बहुत कोशिश की थी इहदा हल लभण लई, पर नाकाम रहा। ना कोई सुराख, ना कोई निशानी मिली। बाबा जी हालात पहला नालों ज्यादा बिगड़ गए, उहदा कोई हल दसो। मैंने कहा था ना आपको कि वो सभी चीजें ढूंढ के नष्ट करनी होगी। इसका एक ही उपाय है, उन सभी चीजों को ढूंढ के जिस वक्त उनकी मौत हुई थी उसी वक्त पूर्णमासी की रात को आग या पानी में विसर्जित करनी होगी, तभी उनकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। ये लो बाबा तांत्रिक की माला, ये बचा तो नहीं सकती आपको, लेकिन संकट की घड़ी में आपकी रक्षा करेगी। अगर हमारी जरूरत पड़ी तो हमें
जरूर याद करना, हम अवश्य आएंगे। हुण ताया इहदा हल मैं लभूंगा। किस्मत वाला जिहड़ा तू बच गया, मेरी मने तो दिन चढ़ते ही इत्थों निकली। ताया पहला ये लड़ाई सिर्फ तेरी सी ते हुण मेरी आ। ताया तू मैनू कहना मैं इत्थों भज्जां ते मैं लोकां नूं मूँह की दिखाऊंगा कि जदों यारी च खड़न दा टाइम सी लोक मैनू आखण कि तू पिठ दिखा के भज्जा आ। ओ हाले फड़ काका चाह पी ला। ये दिल की नर्म गुस्ताखिया तेरे लिए, ये दिल की सुर्ख तन्हाइया, ये दिल की मस्त बेफिक्रिया, ये दिल की नर्म गुस्ताखिया तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। दादी जी, मैं ना गुड्डे दा ऑपरेशन कर दी सी, मैं वड्डी होके डॉक्टर बनना। दादू जी, जिस दिन तेरा पुत्त वड्डा होगा ना, छिक्के चाके बाउंड्री के बाहर जाया करनी है। क्या करूं मैं जाने जाना, दिल पे बस नहीं चलता है, तुझको देखते ही मेरा ये जहां पिघलता है। ये दिल की जर्फ बेबाकियां, ये दिल की अश्क रुसवाइयां, ये दिल की मुश्क बेचैनियां तेरे लिए, तेन कुछ तो याद होना, कोई ना कोई तो चीज़ होनी जिन्हां नाल उन्हां दा लगाव सी, ते इहो जिहा की सी जिन्हां नाल उन्हां दे सुपने जुड़े हुए सी। गुड्डा। गुड्डा की? गुड्डा एक बॉल, एक गुड्डा जिहड़ा उह सदा ही उहदे कोल रखदे सी। इन्हां चीज़ां नाल उन्हां नूं बहुत लगाव सी, कई वार तां इन्हां चीज़ां पिछे मेरे नाल भी लड़ पैंदे सी। हाँ सच, एक चाकू भी सीगा जिहदे नाल मेरे पोते की मौत हो गई सी, ते उहदा खून भी उहदे ते लग्गा। चाकू कित्थे आ? चाकू ताया उह कित्थे आ? दोवें चीज़ां चाकू ते बॉल दा तां नहीं मैनूं पता, पर गुड्डा मैं सांभ लिया सी। ताया उह गुड्डा दिखा सकदे हो? आपको बताई थी? नहीं बाबा, असी बहुत कोशिश की थी हर एक चीज नूं लभण दी, पर साढ़े हाथ कुछ नहीं लगा। बाबा जी, कोई तो हल होगा इहदा। बहुत तकलीफ में है,
उन बच्चों की आत्माएं कुछ अधूरे खाब, कुछ खोने का डर। फिर बाबा उन्होंने मुक्ति किमें होगी? उनके कुछ कपड़े या कोई और चीज है तुम्हारे साथ? हाँ शायद है गए उन्होंने कपड़े। उनसे जुड़ी हुई चीजें अभी भी मौजूद हैं, मगर यहां नहीं कहीं और है। पर किथे बाबा जी? दरवाजा? वो दरवाजा नहीं, दूसरी दुनिया का दरबार है। वो सभी चीजें आपको वहीं मिलेगी। तुम्हें वो चीजें लाकर नष्ट करनी होगी, मगर उस वक्त जिस वक्त उनकी मृत्यु हुई उस वक्त के उलट करना होगा। अगर रात को हुई तो दिन में करना होगा, दिन में हुई तो रात में करना होगा, लेकिन समय वही होना चाहिए। बाबा मौत का समा ताया, उन्होंने मौत का समा की सी? ताया तेन कुछ तो याद होगा, वो बच्चों की मौत वेले समा की सी? हाँ, 4 to 5 के विचकार। ताया मैंने एक सवाल हजे भी अंदरों अंदरों खाई जाता, जे उन्होंने सारे नु मारता तो फिर वो चाहते की आ? नहीं नहीं, उन्होंने सभी को नहीं मारा, उनमें से आज भी एक जिंदा है। हाँ आज भी एक जिंदा है। एक बात याद रखना, मैं उस दरवाजे को उसी समय के लिए खोल कर रख सकता हूँ। तुम्हें वो दरवाजा बंद होने से पहले पहले सभी चीजें यहां लानी होगी। हाँ रुको, याद रखना सिर्फ 40 मिनट बाकी है आपके पास। हाँ सिर्फ 40 मिनट। काका रुको, अल शायद तेरे काम आ जी। याद रखना अगर जो समा बीत गया तो एक बरस के बाद आएगा।
तू तू इत्थे किवें? जब तक मेरा खुदा मेरे साथ है ना, तब तक मुझे इन चीज़ों से कोई डर नहीं। लेकिन तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे? कोई ना कोई तो चीज़ा है जो उन्होंने जुड़िया हुई, पर कोई पता नहीं लग रहा। फिर कुछ मिला? नहीं, कुछ पता नहीं लगे। बहुत कोशिश की, कोई निशानी नहीं मिली। अरे इसी जगह पर एक स्टोर रूम है जहाँ पर घर का सामान और कुछ फर्नीचर वगैरह पड़े, क्या पता वहाँ पर कुछ मिल जाए। चेक करें। हाँ, चेक करते हैं। गुड्डा जी के बारे ताया गल करता सी। तो अब इसका क्या करना है? टाइम बहुत घट आ। रुक जा। ताए ने कहा सी उन्हां दा एक दा खून किसी चाकू नाल होया सी, ते ओ चाकू इत्थे आ। कहां है? चल लभी। अरे रुको रुको यार, ऐसे हम नहीं ढूंढ पाएंगे, हमको अलग अलग होना पड़ेगा। तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। अरे भाई कहाँ हो भाई? की हो गया भाई? चाकू मिल गया। चल फिर ठीक है, टाइम बहुत घट अपने को। चल
भाई भाई उठो 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 आया है वही है विनोद कुमार का मुंडा बाबा जी वो दोनों चीजें ले आंदे समय बहुत कम है इस खंजर को जल्दी से जल्दी पानी में विसर्जित करना होगा और इस गुड्डे को जलाने के लिए हवन तो नष्ट हो चुका है दोबारा आग जलानी होगी क्या आग जलानी होगी पर कैसे पीछे जनरेटर ओदे जो डीजल लेना होगा जल्दी से जल्दी आग जलाने का प्रबंध करो नहीं तो समय बीतता जा रहा है तो यहाँ कोई आसपास पानी का कुआं या पानी मिलेगा हाँ, नेड़े पूल है। ये लो भाई, इस चाकू को तुम्हें विसर्जित करना होगा। आग जलाने की जिम्मेवारी मेरी है। डीजल मैं लेकर आऊँगा। रुको। लाओ जी खंजर, हमें दो। ये लो ये धागा आपकी रक्षा करेगा इसके होते हुए वो खंजर को सू भी नहीं सकते तो यार दे मारेगा
ਬੀਬੀ भाई 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 उठो भाई भाई उठो भाई भाई हमने जंग जीत ली भाई, हमने कर दिखाया हमने भाई। आप जित तो गए पर मैं जिंदगी की जंग हारदा लगदा। नहीं भाई तुम्हें कुछ नहीं होगा भाई। नहीं भाई तुम्हें कुछ नहीं होगा भाई, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है भाई। चलो हम सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे भाई। चलो एक गल दस, यारी नभा के ना मरन का सुकून बहुत आ रहा। नहीं भाई तुम्हें कुछ नहीं होगा भाई, तेरा भाई अभी जिंदा है ना, तुझे कुछ नहीं होगा। भाई 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 ताऊ, इस हवेली ने मेरे चारों यार खा लिए। मेरा भी इस हवेली ने सारा परिवार खो लिया। ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਉਜਾੜਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਥਾ ਜਿਸ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸੇ ਸ਼ਮਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ। ਤੇਰੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਕਿਹੜਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਅਗਰ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਗਵਾਏ ਹੈ
तो मैंने भी अपना एक जवान बेटा गवाया है। जो भी होया बहुत माड़ा होया, तुसी आपके बच्चे दे। हो सके तो बेटा मुझे माफ कर देना।